देखिए पूरा गेम जो होता है वो पूरा आइडिया पे ही होता है. आपने बहुत सही प्रश्न उठाया है. आइडियाज, दैट्स वाई आइडियाज सेल फॉर मिलियंस. बड़े बड़े फिल्म प्रोड्यूसर भी एक आइडिया ही ढूंढते हैं कि इस पर फिल्म बना सकें, एक सीरियल बना सकें, सब तड़पते रहते हैं. तो मेरे एक दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि आप लोग फैशन में भी, मेरा एक थोड़ा सा सेटअप है, तो उन्होंने कहा कि स्कूल्स के लिए कुछ क्यों नहीं करते. स्कूल एजुकेशन पे कोई भी ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म नहीं है. हम उस बिज़नेस में थे, हम उस इंडस्ट्री में थे और एग्जीबिशन के, तो हमने इस पर करीब, आपको मैं सच बताऊँ कि मैंने गौतम एक तो जब एंट्री किया था टीवी में तब मैंने कम से कम 20 शो छोड़े होंगे, लेकिन एजुकेशन ने मुझे उससे भी ज़्यादा छुड़वा दिए. बहुत दुख होता है, लेकिन मुझे लगता है कि एक ऐसी चीज़ अगर देश को दे के जाएँ तो शायद हमेशा एक नाम बना के जाने की, अब रहना किसी को भी नहीं दुनिया में, जाना सबको एक दिन, लेकिन एक ऐसा नाम कि ऑर्गेनाइज प्लेटफॉर्म स्कूल एजुकेशन के लिए पवन शंकर दे के गए, तो ऐसी चाहत लगी. और एक स्टेज आती है जब आप पैसे ज़्यादा, आपको नाम प्यारा हो जाता है, तो मैं उस स्टेज पे हूँ कि मुझे सिर्फ कुछ देश के लिए करना है, कुछ समाज के लिए करना है. और सच बोल रहा हूँ गौतम कि जितना मेरे दूसरे बिजनेसेस से पैसा होता है, एक या दो इवेंट से पूरे सीज़न में इतना पैसा एजुकेशन में नहीं निकलता. और 3 साल ज़िंदगी के निकल गए, 3 साल ज़िंदगी के निकल गए. चश्मा कभी नहीं लगा था, चश्मा भी लग गया, यहाँ पे दिख रहा है आपको. तो ये एक एजुकेशन, पहले मैं सोचता था गौतम कि एक टीचर जो है कैसे कम पैसे में कैसे स्कूल को पढ़ाता और खुश भी रहता है. वो तब समझ में आया जब मैं खुद शिक्षा में आ गया. एक अजीब सा खिंचाव होता है, जैसे एक एक्टिंग लाइन में खिंचाव होता है. ये एक चीज़ अलग है, जैसे मैं इससे रिलेट इसलिए कर सकता हूँ, मेरी सिस्टर टीचर है, तो अभी वो हेडमिस्ट्रेस बनी है DPSR के प्रोग्राम की. तो वो बात बात में बात निकली मेरे से, मैंने उससे पूछा रशु इंक्रीमेंट कितना हुआ है. अब मैं वो पैसे नहीं बोलना चाहता हूँ, कहती बहुत नॉमिनल है. और जो उसका प्रेशर बढ़ गया है वो एकदम ही, जैसे वो सुबह 4:30 बजे उठते हैं, 1:30-2 बजे घर पहुँचते थे, अब वो आती 5:30-5 बजे घर. तो वो मैंने कहा यार पैसा तो वही है, तो ये क्या सरदर्दी 1000 बच्चे और सर पे डाल दिए, क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए. कहते यही तो मज़ा है, यही तो बच्चों को पढ़ाने में ही तो मज़ा है. तो ये एक अलग चीज़ है, जब तक आप घुसते नहीं हैं तब तक आप समझते नहीं हैं. तो मैं रिलेट कर सकता हूँ. हाँ, जो खिंचाव मुझे शिक्षा ने दिया वो राजनीति ने भी नहीं दिया, वो एक्टिंग ने भी नहीं दिया, जो एजुकेशन ने खींच लिया है. तो टीचर्स की एक आर्मी वालों के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी, फिर एक एजुकेशन वालों के लिए बहुत रिस्पेक्ट.